हाय गेमर्स, मैं उसाइल और आप सभी का स्वागत है फिर से एक और न्यू और अमेजिंग वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं फार्मिंग की, पर आज हम टाउन हॉल 9 की फार्मिंग गाइड ला रहे हैं। मतलब आप किस अटैक स्ट्रेटजी से अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं, आज मैं आपको वो बताऊँगा। और गाइस, जिस अटैक स्ट्रेटजी से मैंने फार्मिंग कर जो मैं आज अटैक स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसे मैं पहले फार्मिंग करता था, उसी अटैक स्ट्रेटजी से मैंने अपना पूरा बेस मैक्स कराया। आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको अपना पूरा बेस दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर रिमूव ऑल, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें टाउन हॉल 9 के हिसाब से सारी फुल्ली मैक्स है। और ये मैंने उसी अटैक स्ट्रेटजी से मैक्स करी है जिससे मैं फार्मिंग करता था। तो गाइस, मैं पहले वो अटैक स्ट्रेटजी दिखा देता हूँ, पर अटैक स्ट्रेटजी दिखाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से उस रेड वाले बटन को दबा के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट करके रख लो। साथ ही आज की इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगे। तो वीडियो को तो गाइस, ये अटैक स्ट्रेटजी 5 आर्चर, 5 वॉल ब्रेकर, 20 विजर्ड्स, 5 पिकास, 2 हील स्पेल, 2 रेड स्पेल, 1 पॉइजन, 5 बोलर्स सब कोई भी लेवल पे ले सकते हैं, मैक्स नहीं लेवल के लिए फ्रीज और अपने किंग क्वीन। और गाइस, इस अटैक स्ट्रेटजी को मैंने इस अटैक स्ट्रेटजी से आप गोल्ड, एलिक्सर और डैक्टिनो एक ही साथ फार्म कर सकते हो, पर थोड़ा सा अलग होता है। गोल्ड और एलिक्सर का तो मेथड सेम ही होता है कि आपको किसी भी मतलब कि आप कोई भी रैंडम बेस ढूंढो जिस पे ज्यादा गोल्ड और एलिक्सर ज्यादा है। और गाइस, इस अटैक स्ट्रेटजी को परफॉर्म करने के लिए आपको एक सही लीग में होना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको बहुत अच्छा गोल्ड और एलिक्सर लूटना है, सिर्फ आपको अभी गोल्ड और एलिक्सर लूटना है तो आप गोल्ड लीग में आ जाओ। पर अगर आपको गोल्ड और एलिक्सर के साथ साथ डार्क एलिक्सर भी लूटना है तो आप क्रिस्टल हो, मतलब कि आप गोल्ड और क्रिस्टल के बीच में हो, क्योंकि वहाँ पर आपको गोल्ड और एलिक्सर और डार्क एलिक्सर अच्छी मिलता है। पर आपको सिर्फ डार्क एलिक्सर लूटना है तो क्रिस्टल में आ जाओ, वहाँ पर आप अच्छे से डार्क एलिक्सर लूट सकते हो। तो गाइस, मैं अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, मैं डार्क एलिक्सर लूटने के एक स्पेसिफिक वीडियो लिया हूं। तो गाइस, एक बेस पे मैं आपको अटैक करके दिखाता हूं, तो मैं बेस ढूंढ के वापस आता हूं। तो गाइस, हमको एक रैंडम अच्छा खासा लूट का मिल चुका है, 4 लाख गोल्ड, 4 लाख एलिक्सर, 3000 डार्क एलिक्सर थोड़ा कम है। पर अगर आप सिर्फ डार्क एलिक्सर की फार्मिंग कर सकते हैं तो क्रिस्टल लीग में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अमाउंट में डार्क एलिक्सर मिल जा रहा है। तो गाइस, सबसे पहले आपको अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपके जो पेकास है उसको एकदम ऐसे स्पैम मार देना है, फिर सारे विजर्ड्स को स्पैम मार देना है। अरे थोड़ा स्क्रीन मूव हो गया, कोई बात नहीं। फिर अपने किंग, क्वीन, बोलर्स और फिर सारे के सारे वॉल ब्रेकर स्पैम मार देने हैं। फिर उसके बाद एक रेज और एक हील डाल देना है और बस आपका अटैक मक्खर जब सीसी निकल गए तो सीसी पे पॉइजन, फिर एक और रेज और हील डाल देनी है। वैसे सीसी में कुछ था नहीं, पर तब भी हम डाल देते हैं। और आपको इस फार्मिंग में ऐसे ही बेस मिलेंगे, आप इसका देख सकते हैं, इसके 2-3 डिफेंस और इसके 2-3 डिफेंस अपग्रेड पे चल रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और गाइस, हमारे पास एक फ्रीज स्पेल है तो उसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। फार्मिंग में आपको ऐसे ही बेस मिलेंगे, ज़्यादा मैक्स नहीं मिलेंगे, तो जो कि एक आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर मैं किंग की एबिलिटी यूज़ कर लेता हूँ, साथ ही क्वीन की एबिलिटी भी यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर फ्रीज स्पेल यूज़ करने की ज़रूरत है ना, अभी तो फ्रीज स्पेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। और गाइस, पेका का यही एक वीक पॉइंट है कि वो वॉल्स में लग जाते हैं, मतलब वॉल्स तोड़ने में लग जाती है, यही एक उसका वीक पॉइंट है। गाइस, हम यहाँ पर आर्चर्स डाल के क्लीन अप कर लेते हैं। और कुछ यहाँ पर है, ये एक इधर डाल देते हैं। लगभग हमने यहाँ पर सारा गोल्ड और एलिक्सर लूट लिया है, बस थोड़ा सा बचा है। और गाइस, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो थोड़ा गोल्ड और एलिक्सर आपसे लॉस होता है तो उतना होगा ही, क्योंकि गाइस कभी कभी आपकी किस्मत ख़राब होती है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो आपको पूरा भी नहीं मिल पाता, और कभी कभी बहुत कम मिलता है तो आप उसको पूरा लूट नहीं पाते हो, तो थोड़ा सा आपको भी दिक्कत होगा। इसीलिए गाइस, फार्मिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको लालची नहीं होना, थोड़ा सा आपको सबर कर रखना। अगर आपको थोड़ा डार्क एलिक्सर नहीं मिलता तो चल, थोड़ा डार्क एलिक्सर का थोड़ी सी लूट नहीं मिलती तो चलता है। और गाइस, इसी बेस पे हमको देखते हो पूरा का पूरा गोल्ड एलिक्सर मिल चुका, डार्क एलिक्सर थोड़ा बचा है तो उसमें कोई बात नहीं। वैसे भी आपको गाइस 3 स्टार के ले जाना है अपने लूट के लिए, तो लूट आपको अच्छी लूट हमको पूरा मिल चुका है, हमको डार्क ड्रेन मिल जाएगा तो हम एंड बैटल कर देंगे। और ये गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं हमने अच्छा खासा गोल्ड और एलिक्सर और डार्क एलिक्सर भी लूट लिया है। और गाइस, अगर आपको इस अटैक स्ट्रेटजी में
किंग क्वीन ना हो तो सिर्फ आप बॉलर से लूट कर सकते हो और गोल्ड और अच्छा खासा एलिक्सर भी लूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर डार्क ना हो तो डार्क में भी आप कोई बात नहीं, आप अच्छे से कर सकते हो। मैं जब था मेरा जब टर्न ऑन लाइन मैक्स नहीं था तब मेरे डार्क एलिक्सर मेरे किंग क्वीन नहीं था, तो मैंने डार्क एलिक्सर लूट करने के लिए यही आर्मी यूज़ करी और इसमें मैंने किंग क्वीन और विदाउट बॉलर्स के साथ करी। और मैंने जैसे हमने टाउन हॉल पिछली वीडियो में टाउन हॉल 10 में अपना माइंड गेम मतलब कि कहाँ से हम ज़्यादा डार्क लेजर खींच सकते हैं, तो मैंने वहीं से लाइटनिंग स्पेल यूज़ नहीं करी, मैंने एक एक पैकर डाला और डार्क लेजर ड्रिल निकाले। वैसे अगर आपको अब समझ में नहीं आया तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा। तो गाइस आर्मी ट्रेन होने में टाइम है, तब तक मैंने एक अटैक और करा था, मैं आपको उसका रिप्ले दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइस ये देखो, ये मैं था पता नहीं कौन सी लीग में, गोल्ड लीग में था, हाँ देख सकते हैं गोल्ड फर्स्ट में था। और यहाँ पर देखो कितनी तगड़ी लूट मिली, 6 लाख गोल्ड, 8 लाख एलिक्सर, 5 लाख डार्क एलिक्सर। अगर आप ऐसे ही अटैक करते रहो तो आपको ऐसे ही रस बेसिस मिलते रहेंगे। बस ये विजेटार थोड़ा सा वो क्या है टर्न ऑन टर्न का, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप देख लो यहाँ पर मैंने सारे विजेट स्पैम मार दिए, किंग क्वीन सीसी के बॉलर्स भी, वॉल ब्रेकर्स भी। फिर यहाँ पर एक रेज और एक हील, जैसे ही गाइस आपके ट्रूप्स अंदर आ जाए तो आपको एक हील और एक रेज का कॉम्बिनेशन छोड़ देना। पर मेरे बोल्डर्स थोड़ा रेज को बाहर से ले गए, पर तब भी कोई बात नहीं। किंग पे, हाँ एनिमी किंग पे पॉइजन डाल दिया। फिर जैसे ही मेरी ट्रूप्स कोर में आए वहाँ पर एक रेज और एक हील वापस डाल दिया। और गाइस ये बेस भी आराम से ट्रिपल निकल गया और इस बेस पे ये पूरी लूट निकल चुकी है। और गाइज अगर आपके किंग क्वीन भी लो हुए, मतलब आपके पास किंग क्वीन है पर वो 15-16 के हुए, तब भी आप इसे आराम से फार्मिंग कर सकते हो, क्योंकि गाइज आप गोल्ड लिंग में फार्मिंग कर रहे हो तो गोल्ड लिंग में आपको रस बेसिस से मिलेंगे, तो आप आराम से फार्मिंग कर रहे हो। अगर गाइज आप फार्मिंग कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी लीग माइनस करके गोल्ड में या क्रिस्टल में आ जाओ। मैं प्रेफर करूँगा अगर आप नए टाउन हॉल 9 हो तो गोल्ड में आ जाओ। और फिर जैसे जैसे आपका बेस मैक्स होता रहेगा, आपके ट्रूप्स मैक्स हो जाएंगे, आपके किंग क्वीन बचेंगे और लेबोरेटरी में कुछ ट्रूप्स बचेंगे एलिक्सर के और डार्क एलिक्सर के, तो आप क्रिस्टल में जाओ तो वहाँ पर आपको गोल्ड एलिक्सर डार्क एलिक्सर मिलता है। पर थोड़ा कभी कभी आपको गोल्ड और एलिक्सर नहीं मिलते, इसीलिए आपको गोल्ड और एलिक्सर फार्म करना है तो आप गोल्ड लीग में रहो, पर अगर आपको डार्क एलिक्सर फार्म करना है तो आप क्रिस्टल लीग में रह सकते हो। ये मेरा ओपिनियन है। एक मिनट दोस्तों, हम सीसी रिक्वेस्ट कर लें। और तो गाइस हमारी आर्मी ट्रेन नहीं है तो कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास एक और रिप्ले जो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइस ये तो मैंने दिखा दिया, अरे ना गाइस अब मेरे पास कोई रिप्ले नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आज शॉर्ट था क्योंकि मैंने टाउन ऑनलाइन की फार्मिंग के बारे में बताया था, क्योंकि गाइस फार्मिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल पार्ट करती है हमारे गेम में। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो बताओ वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।